दंगल गर्ल जायरा वसीम के साथ फ्लाइट में हुई छेड़खानी की घटना को पूरे बॉलीवुड ने शर्मनाक बताया है। सभी ने जायरा के साथ हुई इस घटना का विरोध किया है। बॉलीवुड स्टार्स का कहना है कि जायरा ने सोशल मीडिया पर ये बात शेयर करके बिल्कुल सही किया है। अगर किसी भी महिला या लड़की के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उसके खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। आपको बता दें कि जायरा ने फ्लाइट में शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है। उनका आरोप है कि विस्तारा एयरलाइंस में उनके ठीक पीछे बैठे शख्स ने उनके साथ गलत हरकत की और शिकायत के बाद भी फ्लाइट क्रू ने उनकी कोई मदद नहीं की। इस घटना को लेकर सभी बॉलीवुड स्टार्स ने जायरा का सपोर्ट किया है। ये हमारे कल्चर में एक प्रॉब्लम है जहाँ पे लोगों को लगता है, स्पेशली अगर आप एक अभिनेत्री हैं, कि आप उनकी प्रॉपर्टी हैं, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बट आई एम वेरी हैप्पी अगर उसने आयरन हाशी पुट इट ऑन सोशल मीडिया और समथिंग उन्होंने वो किया। सो आई एम रियली ग्लैड दैट उसने वो स्टेप लिया, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक आउट एंड टेक अ स्टैंड फॉर अ थिंग लाइक दैट। सो आई मोर पावर टू हर। I really have no idea what to say about this, क्योंकि you know ये हर आए दिन हमारी कंट्री में होता है, and rather than focusing on issues like this, I don't know why our country and the you know rulers and caretakers of our country are really behind minuscule matters. I think जिस तरीके से हम women empowerment की बात करते हैं और women safety की बात करते हैं, I think सिर्फ बातें करना ज़रूरी नहीं है। I think we should take some action towards it to stop all this nonsense from finally happening. I think that you know obviously we have to continue working hard at making sure that everyone enjoys equal rights. There's absolutely no tolerance towards violence. I think we have to continue working hard towards that, and it's a joint effort. It's society has to work together for it. जी, मैंने वो वीडियो देखा, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, आई जस्ट लैंडेड फ्रॉम गोवा, एंड आई थिंक मैं अगर होती जो ऐसे मेरे साथ भी मेरी फ्रेंड के साथ अपेरेंटली एक जब हम बहुत छोटे थे एक शादी में वी वर अटेंडिंग अ मैरिज, तो किसी ने कुछ बदसलूकी की, तो उसी वक्त मैंने जो भी वो जेंटलमैन थे उनकी फिंगर पकड़ के I was a fighter. I knew it कि अगर वो उस टाइम अगर कोई भी अटैक कर रहा है तो as a girl you have to be really very strong कि आप उसी टाइम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और जो उनके कुछ पिक्चर्स देखे कि वो आगे बैठे हैं और पीछे से वो सब है, I think the girls need to be more strong and independent. I think it's very sad what happens with Zara, and I have my whole concern and sympathy with her, and I think whatever has to be whatever legal actions or whatever has to be taken should be taken with firmness. I just hope she gets justice. Main itna hi bolungi. Good that at least she has raised her voice. Chup karke baithne se to better hi hai. Justice mile usko matlab, because she has raised the concern, she deserves to get justice now. I think it's extremely sad, it's extremely shocking, and I'm very surprised the way it's been reported. Just tarike se, but I'm sure let the facts come out, and can't wait for the culprit to get behind the bars, of course. And I think the FIR has been filed, but we should wait for the facts to also come out. नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कहीं भी, ना इंडिया में ना इस वर्ल्ड में, कहीं भी ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है। But I definitely feel women are anyway way more superior than men. We are fighters, और हम जैसे भी सिचुएशन हो। अब मैं क्या बताऊँ इस देश के बारे में, इन ऑन वन हैंड हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के वी हियर अबाउट ऑल दिस इंसिडेंट्स हैपनिंग, बट आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नॉट जस्ट स्टैंड अगेंस्ट इट और टॉक अबाउट इट इन हाइंडसाइट, इन द सेंस कि जब हो जाता है हम उसके बारे में बात करते हैं उस वक्त, उससे पहले एजुकेट करना एट सम लेवल आई थिंक इट इज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट टू से, बट इट डीपली सैडन्स मी दैट इस तरह की चीज़ें आजकल हम जहाँ जैसी लाइफ लीड करते हैं, जिस तरह की एजुकेशन हम सबको मिल रही है, इनफैक्ट गाँव में भी स्मॉल टाउन्स में भी द एजुकेशन द स्कूल्स एंड एवरीथिंग इट्स प्रॉम्प्ट, इट्स देयर। आई मीन वी आर स्टिल डेवलपिंग, एंड बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे पीपल आर नॉट एज एजुकेटेड, बट दिस इज जस्ट रियली सैड, एंड आई थिंक एक बहुत ही छोटी मेंटालिटी को दर्शाता है ये। बॉलीवुड अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।